ये शहरों का सन्नाटा बता रहा है, इंसान ने कुदरत को नाराज बहुत किया है। सारे मुल्कों को नाश था अपने अपने परमाणुओं पर, कायनात बेबस हो गई एक छोटे से कीटाणु पर। खुशी के माहौल में मौत का फरमान आ रहा है, जो कहते थे गांव में क्या रखा है, आज उन्हें भी गांव याद आ रहा है। इंसान ने भी अति ही कर दी है, खूब पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन पेड़ लगाता कोई नहीं है। जब सारे पेड़ काट दोगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, और ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो सांस कैसे लोगे, जियोगे कैसे। अब पता चल रहा है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की कीमत करोड़ों में हो रही है, और कुदरत फ्री में देती है तो इंसान कुदरत की फ्री की ऑक्सीजन की कदर नहीं करता, खूब पेड़ काटता है। वैसे इंसान स्वार्थी होता जा रहा है, जंगल खत्म कर रहा है, पहाड़ काट रहा है, पेड़ काट रहा है, पशु पक्षी खत्म कर रहा है, धरती पर गंदगी कर रहा है, पानी बर्बाद कर रहा है। जब कुदरत ही खुश नहीं रहेगी तो इंसान कैसे खुश रहेगा। जब जब कुदरत नाराज होती है तो भूकंप, तूफान, बाढ़, याद है ना केदारनाथ बद्रीनाथ में जो प्रलय आई थी, ये सब प्रकृति प्रकोप जो आते हैं, इन सब का कारण कुदरत की नाराजगी ही तो है, और क्या है। इंसान चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, खाएगा तो गेहूं की रोटी, पिएगा तो पानी ही। इसलिए हे मानव, तू तरक्की कर, खूब तरक्की कर, लेकिन कुदरत से छेड़छाड़ करना बंद कर दे। अंजाम तू देख रहा है, इस वायरस ने तहलका मचा रखा है, हर तरफ त्राहिमान त्राहिमान की गूंज नजर आ रही है। हे परमपिता परमेश्वर, इस दुनिया को बचा लीजिए, अब बहुत हुआ, रहम करो, ये दुनिया उजड़ सी गई है। अब तो इंसान को ही इंसान से डर लगने लगा है, इस छोटे से वायरस ने इंसान को उसकी औकात याद दिला दी है। हे प्रभु, अब ऐसी बारिश कर दो जिससे ये वायरस खत्म हो जाए, फिर से खुशहाली आ जाए, इस दुनिया में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बरस जाए। हे प्रभु रहम करो। निर्गुण और न्यारे तुम्हारे बिन।